हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिविल मंत्रा। मैं हूं अनुपम। आज का दोस्तों जो हमारा टॉपिक है वह है क्विक रिटर्न मैकेनिज्म। जो हमारे क्विक रिटर्न मैकेनिज्म है, हमारा जो सिलेबस है उसमें दो टाइप का दिया हुआ है। फर्स्टली हमारा क्या है, विटवर्थ क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म, और सेकंड हमारा क्या होता है, क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर रिटर्न मोशन मैकेनिज्म। वन बाय वन दोस्तों हम दोनों को डिस्कस करेंगे। फर्स्टली हम बात करें कि विटवर्थ क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म हमारा क्या होता है। अगर हम दोस्तों इमेजिन करें, हम दोस्तों फर्स्टली इमेजिन करते हैं कि हमारा जो मैकेनिज्म है वो हमारा जो स्ट्रोक है वो आगे कब होगा और हमारा पीछे कब होगा। सपोज दैट इस लिंक को मैंने एक इमेजिन किया हुआ है, इस ये हमारी एक तरीके से क्रैंक की तरीके काम कर रही है। इस क्रैंक को मैंने क्या किया है, एक लिंक के द्वारा यहाँ फिट कर दिया हुआ है, जो ये क्या कर रहा है, ऐसे स्लाइड कर रहा है। ठीक है, अब देखो ये हमारा जो स्ट्रोक है वह सबसे आगे कब होगा, पहला क्वेश्चन मेरा है, और सबसे पीछे कब होगा, ये मेरा दूसरा क्वेश्चन है। अगर हम देखें, अगर हम इसे मूव कराएं, इस क्रैंक को, इस क्रैंक हमारी क्या मूव कर रही है, अगर हमारी क्रैंक ऐसे मूव करके इस पोजीशन पे आ जाएगी तो हमारा जो ये लिंक है ये क्या करेगा, फॉरवर्ड मूव करेगा। इमेजिन करिएगा, अभी आपको समझ में आएगा। यानी ये हमारा लिंक यहां आ जाता है तो हमारा लिंक जो हमारा स्ट्रोक है वो क्या करता है, फॉरवर्ड मूव करता है, यानी कटिंग का प्रोसेस करता है। अब क्या है, जब वो हमारा घूम के यहां आ जाता है, यानी बैक हो जाता है, इस पोजीशन पे आ जाता है, तो हमारा जो स्ट्रोक है वो हमारा क्या हो जाता है, रिटर्न हो जाता है एज ए आइडियल स्ट्रोक। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब हम इसे क्या करते हैं, सेकंड इन्वर्जन मैकेनिज्म हमारा कहते हैं। मैंने क्या किया, एक लिंक को लिया, इसको मैंने क्या किया, फिक्स कर दिया। ए और ओ हमारा जो लिंक है टू है वो हमारा क्या है, फिक्स है। इसको क्या किया मैंने, ये हमारा तीन है, ये हमारा क्या थर्ड नंबर जो हमारा लिंक है एज ए क्रैंक की तरीके हमारा क्या वर्क कर रहा है, और ये लिंक वन को मैंने क्या किया, इससे कनेक्ट किया। अब ये क्या है, एज ए स्लाइडर हमारा वर्क कर रहा है। जब हमारा ये जो मैकेनिज्म है, जो हमारा फोर फिक्स लिंक में यहाँ फिक्स है आइडियल कंडीशन पे, यानी स्लाइड कर रहा है, वो क्या कर सकता है, इसमें पूरी मैकेनिज्म स्लाइड करेगा, और इस तरीके से स्लाइड करता है। अगर हम तीन को मूव कराएं, इस क्रैंक को मूव कराते हैं, तो जो हमारा ये फोर है ना, ये पूरा लिंक, ये भी हमारा क्या करता है, सर्कुलर में मूव करता है। ओके, एज ए क्रैंक की तरीके हमारा वर्क करता है, स्लाइड करेगा ऐसे, और ये पूरा क्या करता है, इसमें मूव करता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब इसी को मैंने यहां क्या किया है, ड्रा किया हुआ है। देखो कैसे, ये हमारा लिंक टू है, ये हमारा तीन है, एक ये है। इस लिंक वन को क्या किया है मैंने, एक्सटेंड कर दिया है, सेम इस तरीके से एक्सटेंड कर दिया है। अब देखो हमारी यहां दो कंडीशन बनती है, एक हमारा फॉरवर्ड स्ट्रोक की, एक हमारी रिटर्न स्ट्रोक की। पहले हम देखते हैं कि हमारा फॉरवर्ड स्ट्रोक कब होगा, इसके बाद हमारा रिटर्न स्ट्रोक कब होगा। अगर हमको दोनों बात समझ में आ जा रही है, हमारा ये जो क्वेश्चन है बिल्कुल इजी हो जाएगा। हमें दो ही बातें यहां समझनी है क्विक रिटर्न मैकेनिज्म में। तब क्या होता है, देखो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया था, अगर ये हमारा जो क्रैंक हमारी मूव यहां आ जाए तो हमारा जो स्ट्रोक है वो कैसे हो जाएगा, फॉरवर्ड आएगा। अब यहां आ रही है तो रिटर्न स्ट्रोक हो जाएगा। इसी तरीके से हम देखते क्या है, जब ये लिंक वन को, ये हमारी लिंक वन है, एक्सटेंड किया है, इसको मैंने क्या किया, मूव कराया, ये मूव कर रही है। जब हमारा तीन मूव कर रहा है तो हमारी जो फोर लिंक वन है, जैसे कि बताया मूव कर रही है सर्कुलर पार्ट में, ये क्या पूरा मूव कर रहा है। और जब ये वन मूव करेगा तो ये भी मूव करेगा। सपोज दैट मैंने फर्स्ट पोजीशन कंसीडर किया, ये जो इसकी पोजीशन है यहां आ गई, सी डैश पे आ गई, सी से सी डैश पे। जब ये क्रैंक जो हमारा वन है सी सी डैश पे आएगा, तो जो हमारा ये फोर है ना, ये फोर, ये जो हमारा बी पॉइंट है, ये बी से बी डैश आता है। इतनी बात समझ में आ गई, यानी ये वाला जो हमारा पॉइंट है वो यहां आ जाता है B से B डैश। और हमारा जो थर्ड नंबर है, ये हमारा जो थर्ड एग्जिट कर रहा है, वो हमारा क्या करता है, A से यहां C डैश तक इस तरीके से मूव करता है। यानी इसकी पोजीशन क्या हो रही है, चेंज हो रही है। कब, देखो जब हमारा स्ट्रोक कैसा हो रहा है, पीछे की ओर आ रहा है। अभी कैसा, पीछे की ओर आ रहा है। जब ये रिटर्न स्ट्रोक आएगा, कहने का मतलब ये हमारी लिंक क्या है, यहां मूव कर रही है, जैसे कि मैंने बताया यहां मूव कर रही है। ये क्या हुआ, सी से सी डैश मूव किया, ये वाली हमारी जो लिंक है, तो ये जो हमारी जो फोर है वो हमारी बी से बी डैश मूव करती है, यानी यहां आ जाएगी, और जो हमारी ये हमारी जो थर्ड लिंक बन रही है वो ए से सी डैश मूव करेगी। ये तो हमारा हो गया रिटर्न स्ट्रोक। इतना आपको समझ में आ गया, यानी बैकवर्ड मूव कर रही है, पहला क्वेश्चन समझ में आ गया। अगर हम बात करें फॉरवर्ड कब होगा, कि हमारा फॉरवर्ड मोशन कब होगा, अब हम फॉरवर्ड मोशन के लिए मैंने बताया गया, अगर हमारा ये जो क्रैंक है जो रोटेट कर रहा है वो अगर यहां आ जाए, तुम्हारी क्या है, ये जो स्लाइडर मूव कर रहा है वो क्या करेगा, आगे मूव करेगा, यानी हमारा कटिंग का परफॉर्म करेगा। तो क्या है, देखें हम, अगर
ये जो हमारा मोशन है, ये जो बी डैश से मूव करके अगर ये पूरी ट्रेन इस तरीके से मूव करती है और इस पॉइंट पे आ जाती है, सपोज दैट पूरी, तो क्या होगा? इसका पाथ चेंज हुआ। जब ये यहां आएगी तो जो ये लिंक फोर है वो भी क्या करेगी, यहां मूव करेगी, और हमारा जो तीन का पॉइंट है, जो हमारा तीन है, वो ए डैश से यहां बी डैश की तरफ मूव कर जाएगा। यानी ये इस तरीके से कुछ परफॉर्म करेगा। जब इस तरीके से परफॉर्म करता है तो ये एंगल हमारा फॉर्मेशन का हमारा बनता है। ये हमारा एक तरीके से फॉरवर्ड स्ट्रोक हुआ, यानी हमारा कटिंग कट टूल परफॉर्म करता है। और हमारा रिटर्न कितना स्ट्रोक आ रहा है, इतना आ रहा है। अब आपको एंगल समझ में आ रहा है कि फॉरवर्ड स्ट्रोक के लिए हमारा क्या हो रहा है। जो हमारी लिंक क्या है, यहां से मूव कर दी है इस पोजिशन से, हमारा फॉरवर्ड स्ट्रोक मूव कर दिया, और हमारा जो बी है वो हमारा क्या हो जाता है, बी डैश से पूरा घूम के यहां इस पोजिशन पे आ जाता है, और हमारा जो लिंक तीन है वो ए डैश से, ए मैंने कंसिडर किया था, ए से बी डैश यानी मूव कर जाती है। तो इस तरीके से हमारा फॉरवर्ड स्ट्रोक परफॉर्म होता है। जो हमारा दोनों स्ट्रोक फॉरवर्ड स्ट्रोक है और रिटर्न स्ट्रोक है, आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो